तो आज शिवरात्रि है 2023 और हम अपने कानपुर वाले घर में शंकर जी के मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हैं। सुबह का 6:30 बज रहा है और आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा। चलो भाई गाड़ी थ्रू चलो। देख लिया कि गाड़ी में जो वॉशर फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया है, कल भी को टाइम मिला नहीं। हम होते तो क्या करते थे, गाड़ी में सीधे पानी डाल दूँ, इसको पहले बकायदा पानी को कूलिंग से मिक्स किया जाएगा। नॉर्मल पानी में क्या है ना, एफ्लोरेसेंस हो जाता है तो पंप के आसपास जो है ना सॉल्ट जमा हो जाते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं पैसेज को। बहुत तैयार गाड़ी है। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे अपना ग्वालियर बाईपास और फिर वही झांसी, और हम वही वाला रूट पकड़ रहे हैं। से निकल के जैसे ही ग्वालियर बाईपास पहुंचे, सामने सूर्य देवता के शानदार दर्शन हो गए। आधा फरवरी निकल गया है और अब दिन में ग्वालियर में करीब 30 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने लग गया है, गर्मी होने लग गई है। पर आज दिन अलग है, शिवरात्रि का दिन है और लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन बारिश होती है, तो ये बिल्कुल सामने हमको दिख रहा है कि आज बिल्कुल रास्ते में जो ग्वालियर झांसी वाला रूट है पूरा कोहरे से भरा हुआ है, बहुत फॉगी माहौल है और ज़बरदस्त ठंड है। है हमें जल्दी पहुंचना है कानपुर, लेकिन अभी तो स्पीड 60-70 के ऊपर कर नहीं पा रहे हैं। झांसी हमने क्रॉस कर लिया है और ग्वालियर से झांसी जो 100 किलोमीटर थे उसमें 1 घंटा लगा। अब ये रोड जो शुरू हो गई है ये झांसी से कानपुर वाली रोड है 200 किलोमीटर की, तो हमने इसी रोड को चूज़ किया है क्योंकि ये 4 लेन रोड है। तो जब ग्वालियर से कानपुर जाते हैं तो बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक तो इटावा होते हुए जो कानपुर जाता है, ज़्यादातर लोग उसी को चूज़ करते हैं क्योंकि ये झांसी से कानपुर रास्ता बहुत टाइम तक ख़राब रहा। हम 3-4 बार इस रूट से आ चुके हैं इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि रास्ता सही है, और आपको दिखाऊंगा अभी कि रास्ता बहुत अच्छा हो गया और एग्जैक्टली हम कितना टाइम लगता है पहुँचने में। ग्वालियर से इटावा सिंगल लेन रोड है, बहुत स्पीड ब्रेकर्स हैं, और जो इटावा से जो कानपुर वाला रोड है वो बहुत हैवी ट्रैफिक वाला रोड है। तो हालांकि यहाँ झांसी के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अभी उतना ट्रैफिक नहीं है जितना इटावा से कानपुर वाले रोड में, जो दिल्ली कानपुर वाला जो रोड है उसमें जितना ट्रैफिक है। तो
इधर से कितना टोल लगता है, रोड कंडीशन क्या है, थोड़ा सा ये इस वीडियो में आप बने रहिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूँ कि अच्छा वीडियो बनाऊँ, आपको पसंद आए और पूरी जानकारी मिले। झांसी से कानपुर के बीच में दूसरा टोल है और ये भी 105 रुपए का ही है। रोड कंडीशन काफी अच्छी है जैसा आप देख ही रहे हैं, और ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने इंटरसेक्शन की जगह पे यहाँ से इसको कनेक्ट करने का रूट दिया हुआ है। ये देखिए शानदार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसमें दौड़ते हुए ट्रक, इसको हमने बनते हुए देखा था बहुत टाइम पहले। ये झांसी से पहुंच गए उरई, 1 घंटा 20 मिनट लगा करेक्ट, और बहुत ही स्मूथ रोड है, सिर्फ 2 टोल पड़े आपको जैसा दिखाया है। से 20 किलोमीटर पहले तीसरा टोल आ गया है और 100 रुपए का टोल है। ये जगह 12 है जहाँ से दिल्ली से कानपुर जाने वाला रूट और झांसी से कानपुर जाने वाला रूट एक साथ मिल जाते हैं, तो हम उस ब्रिज से निकल रहे हैं जिसके नीचे से राइट साइड में दिल्ली वाला रूट निकल जाता है। हमने हाईवे छोड़ दिए और कानपुर देहात में अपने गांव की तरफ चल दिए हैं। बड़ा अच्छा लगा देख करके कि पहले यहाँ पे काम चल रहा था, अब ये रेलवे लाइन वर्किंग कंडीशन में चालू हो गई है और गांव-गांव में डेवलपमेंट पहुँच गया है। रोड्स भी जो पहले पतली थी थोड़ी सी चौड़ी हो गई हैं और अच्छी बना दी गई हैं, और इस गाँव के रास्ते से 6 किलोमीटर चलते हुए हम 10:20 पे अपने घर पर पहुँच गए। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा।